नमस्कार। आज पूरे भारत में आरक्षण को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में भी दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। उनकी ये मांगे हैं कि एससी एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाल में ही कोटा वाला फैसला किया है उसको वापस लिया जाए। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है आरक्षण में, हम लोग उसके विरोध में आए, एकत्रित हुए हैं। उसके विरोध में भारत बंद का आंदोलन चल रहा है, क्योंकि वो आरक्षण को समाप्त करने का एक सुप्रीम कोर्ट का और सरकार का षड्यंत्र, हम उसका विरोध करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोलेजियम है उसे समाप्त करके कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें लोग भारत के सभी वर्गों की, हर वर्ण हर जाति के लोगों की बराबर की भागीदारी हो, और लेटरल प्रथा खत्म की जाए, जो प्रतियोगिता से ही सारी भर्तियाँ की जाए। लेटरल प्रथा को हम विरोध करते हैं, और ओबीसी की जाति जनगणना का हम समर्थन करते हैं। ओबीसी की जाति जनगणना अनिवार्य रूप से कराई जानी चाहिए। 1921 की जनगणना से काम नहीं चलेगा। अब बगैर जाति जनगणना कराए कोई भी योजना बेहतर ढंग से नहीं बनाई जा सकती है। और हम TWS आरक्षण का विरोध करते हैं, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। जैसे कोलेजियम, क्रिमिलेयर, EWS, लेटरल, ये सब संविधान विरोधी है, और हम इनका पूरी तरह से कंडम करते हैं। हम इनका विरोध किया गया था, जिसमें कि सफल भी रहा कार्यक्रम। और हमारी मांग है कि कम से कम जो क्रिमिलेयर और कोटे पे कोटा की बात करते हैं, पर कोटे पे कोटा बात करने वाले मठाधीश लोगों को याद होना चाहिए कि सुदूर अंचल में क्या वैसी शिक्षा व्यवस्था, वैसी स्वास्थ्य सुविधा या वैसी टीचर या वैसी स्कूल उपलब्ध है क्या। आज तक आदिवासी समाज क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये कितने कॉलेज में प्रोफेसर हुए, कैबिनेट में कितने सेक्रेटरी हुए, तो उसमें तो स्थिति हम लोग की नगण्य है। तो इसलिए क्रीमी लेयर और कोटे पे कोटा वाली बात करना सीधा सीधा आदिवासी दलित समाज और ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा न्याय है।